नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के त्योथर जनपद अंतर्गत सिविल हॉस्पिटल जनपद के बीएमओ डॉक्टर नौशाद अहमद ने 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि जनपद त्योथर अंतर्गत 249 केंद्रों से पल्स पोलियो अभियान का 3 दिवसीय अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। डॉक्टर नौशाद अहमद एवं समाज सेवी शिवाकांत शुक्ला अखंड शुक्ला ने बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बूथ के साथ ही घर घर जाकर के भी दवा पिलाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। बीएमओ डॉक्टर नौशाद अहमद ने लोगों से अपील की कि पोलियो मुक्त भारत बनाने के लिए लोग इस अभियान पे साथ निभाएं और अपने सहभागिता और बूथ पर अपने बच्चों को लेकर के दवा पिलाएं। इस पोलियो अभियान के अंतर्गत क्षेत्र के 38,758 बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। जानकारी ले सके कि पल्स पोलियो अभियान आज शुभारंभ हो रहा है। 19 से लेकर 21 तारीख तक ये अभियान चलेगा और इसमें 0 से लेकर आज जो बच्चा पैदा हुआ है उसको और 5 साल तक के बच्चे को पोलियो का ये 2 बूंद पिलाना है, जो कि ये 2 बूंद बच्चे के जीवन के लिए अमृत है। ये पोलियो बचाव के, पोलियो जो बीमारी होती है जिसे बच्चे लकवा से ग्रसित हो जाते हैं, तो उसको उससे बचाव के लिए ये 2 बूंद जिंदगी का पोलियो पल्स पोलियो ड्रॉप जो बच्चे को पिलाया जाता है, इसलिए पिलाया जा रहा है क्योंकि अभी हमारा जो भारत देश है हम लोग उससे पोलियो से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी देश जो है अफगानिस्तान। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।